अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग माय यूट्यूब ऑडियंस। तो आप सबने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है मेरी वंडरलॉ शॉप पे, और सबको एड्रेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं बार बार आप लोग को बता चुकी हूँ। आप लोग पावर हाउस से आ गएंगे, बाड़ा मार्केट बहुत मशहूर है, बाड़ा मार्केट पे ही पहले सबसे पहले मोबाइल मार्केट है, मोबाइल मार्केट सीधा अंदर जाएंगे, बैंक आएगा, बैंक के सामने डॉलर बाजार है, डॉलर बाजार से थोड़ा दो दुकानें छोड़ के आगे डॉलर मॉल है। मैंने दोनों की वीडियोस बनाई हुई, काइंडली मेरी वीडियोस को आप लोग एंड तक देखें ताकि आप लोग को वीडियो एड्रेस जो है वो समझ में आ जाए, ठीक है। और आज मैंने आप लोगों को डॉलर बाजार जो और ज़्यादा एक्सप्लोर कर दिया, पूरा डीपली एक्सप्लोर कर दिया, जिनके पास मेकअप की बहुत ज़्यादा ह्यूज वैरायटी आई हुई है, और इन्होंने नई नई चीज़ें भी लेकर आए हैं ये लोग, एक बहुत अच्छी चीज़ें अच्छी क्वालिटी में, बहुत ज़्यादा सस्ती भी। और ये तीन आइटम दो आइटम जस्ट 180 रुपीज़ में दे रहे हैं, बहुत अच्छी। और आपको पता है हमें फ्रिज सजाना है, घर सजाना है, सब चीज़ें करनी, क्योंकि ईद करीब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस फिर आज चलते हैं डॉलर बाज़ार और इन लोग के देखते हैं और इन लोग क्या क्या नई वैरायटी लेकर आए हैं। तो प्लीज़ काइंडली डू सब्सक्राइब माई चैनल, आई नीड यू सपोर्ट माई यूट्यूब ऑडियंस प्लीज़। तो बस सबसे पहले तो देखते हैं यहाँ पर कितना बड़ा ये लिप ग्लॉस का पैकेट है, ये जस्ट 500 रुपीज़ में ये दे रहे थे पूरी लिप ग्लॉसेस। और इनके पास ये देखिए न्यूड की जो ये पैलेट है, ओ माई गॉड, ये दिस इज़ सो गुड, मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत। ये सारे मैट कलर्स थे और दो तीन इसमें शिमर्स थे, और ये थे आई शेडो पैलेट, और ये छोटी पैलेट है, आपके हैंड बैग में ईजीली आ सकती है इन जस्ट 180 रुपीज़। उसके बाद ये सारे मस्कारास थे, टू इन वन लिपस्टिक है, लिप ग्लॉस है, मैट है लिप ग्लॉस। और यहाँ पर लड़कियों का बहुत ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा कि जिसकी कोई हद नहीं। मैं आप लोग के लिए सिर्फ एक वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आप लोग को पता चल जाए कि ये ऑनलाइन काम नहीं करते हैं। कुछ काफ़ी लोग सवाल कर रहे थे ये ऑनलाइन नहीं करते हैं, प्लीज़ काइंडली शॉप विज़िट कर ले, बहुत ही ज़्यादा ईजी। जो कराची में रहते हैं उनको तो सब पता होगा उस रास्ता, मैंने क्लियर कर दिया, एड्रेस भी आप लोग देख लीजिएगा, मेरी वॉइस सुन लीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक, आपको समझ में आ जाए। देन ये भी मैट थी लिप ग्लॉस, और बहुत अच्छी इनके पास लिप ग्लॉसेस थी, काइंडली ऑनेस्टली मैंने भी ली है, बहुत ज़्यादा इनका ह्यूज वैरायटी। इसमें लिपस्टिक थी इनके पास, लिप ग्लॉसेस थी, लिप बाम्स थी इनके पास, बहुत ज़्यादा बेस थी इनके पास, सीरम्स इनके पास थे, और ये कंसीलर थे, कंटोर थे, और ये आप लोग देखिए लाइनर इतने खूबसूरत लग रहे थे, लग रहा था कोई शाही महल के लाइनर, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और इसके बाद इनके मस्कारास भी थे, बहुत किस्म के मस्कारा, बहुत किस्म के लाइनर, किसी भी चीज़ की इनके पास कमी नहीं थी इन जस्ट 180 रुपीज़। इन लड़की को मेकअप का शौक है बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ वो लोग यहाँ जाएँ, जिनको वुमेंस को भी बहुत ज़्यादा शौक है वो भी यहाँ जाएँ। इनके पास क्लचेस भी आ गए हैं, और बहुत ज़्यादा हैंड वर्क वाले इनके पास क्लचेस आ गए हैं, जो मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो पहले वीडियोज़ बनाई हैं उसमें मैंने ये चीज़ें जो मैं शेयर कर रही हूँ मैंने पहले वीडियोज़ में शेयर नहीं की है। मैंने इनकी जो पार्ट्स रह गए थे, जो चीज़ें मुझसे रह गई थी, वो मैं दोबारा एक्सप्लोर कर रही हूँ ताकि आप लोग जो है और देख सकें और जा सकें और शॉप विज़िट कर सकें और अपना घर सजा सकें और मुझे भी सपोर्ट कर सकें। उसके बाद जैसे तेन के पास ये हैमर है, चिकन हैमर, जो जिंगर्स वगैरह बनाते घर में उनको पता होगा। ये देखें पूरा स्पून का सेट इन जस्ट 180 रुपीज़ में, ये हेयर मसाजर था, और ये मैं इसको हीट पैड पे कर रही थी लेकिन ये हुआ नहीं। उसके बाद ये देख सकते हैं स्पून, छोटा सा माम दस्ता हम अपनी चीज़ें वगैरह यहाँ से कर सकते हैं, वो है ये 180 रुपीज़ में। बटरफ्लाइज थी फ्रिज पे लगाने के लिए या आइस क्यूब्स के लिए थे, 180 रुपीज़ में थे, टू आइस क्यूब बॉक्स दे रहे थे। उसके बाद ये तीन जो सोप बार दे रहे थे ये थे जस्ट 180 रुपीज़। ये पिज़्ज़ा नाइफ्स थी इन जस्ट 180 रुपीज़ यही थे, और ये टी मैट्स थे, और ये रिप्लेसमेंट मैट थे, प्लेसमेंट जहाँ पे आप जाए लें अपने टेबल पे डाइनिंग पे रख लें, बहुत ज़्यादा अच्छे थे इन जस्ट 180 रुपीज़। कुछ 200 के भी थे लेकिन 180 के ज़्यादा थे। उसके बाद ये दो बास्केट इन जस्ट 200 रुपीज़, ये बहुत ब्यूटीफुल कलर था नो डाउट। उसके बाद आप ये देख सकते हैं बास्केट्स, मतलब इसमें कुलचे नान वगैरह सर्व कर सकते हैं डाइनिंग टेबल पर दावत के अंदर। ये थे फूड कटर, फूड जिसमें आप कहते हैं कटिंग बोर्ड, थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा है, माइंड नहीं कीजिएगा क्योंकि रोज़ा लग चुका है, गर्मी बहुत है कराची में। उसके बाद जैसे कितनी खूबसूरत फूड बास्केट है इन जस्ट 180 रुपीज़। उसके बाद जो बच्चे छोटी सी पीढ़ी बच्चे बैठते हैं, मतलब और लोग आज तक भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो यूज़ करते हैं उनके लिए है। उसके बाद उन्होंने ये ट्रे सेट देखे हैं बच्चों के, देखें बाउल्स देखें छोटे छोटे कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये चाय बनाने के लिए 180 रुपीज़ के फ्राई पैन थे, पतीलियाँ थी छोटी छोटी सी। उसके बाद ये छोटे छोटे से बाउल्स थे इन जस्ट 180 रुपीज़ था। और ये देखें इतना प्यारा कंटेनर, अब इसमें आटा रख दें, इसमें कोई भी चीज़ रख दें स्टोर करने के लिए, ये इतना अच्छा लगा मुझे 350 रुपीज़ का, कि इतना बड़ा सा ये बॉक्स था, इसमें 4 to 5 अंदर बॉक्सेस रखे हुए थे, और इतना खूबसूरत लग रहा था ये नो डाउट। अब इसमें कोई भी चीज़ रख लें बहुत प्यारा स्टोर लगेगा, बहुत अच्छा किचन में लगेगा स्टोर। ये 230 रुपीज़ के थे कंटेनर्स, कुछ 150 के थे, कुछ 180 के थे, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे कलर्स इनके पास। अब ये देख सकते हैं किस तरीके का ये,
ये पूरा फुल है। अब इसमें एक में चटनी रख दी, एक में कुछ रख दी, एक में कुछ रख दी, तो अच्छी खासी फ्रिज में जो ऑर्गेनाइजिंग हो जाती है सुकून से। उसके बाद ये बच्चों के कैप वगैरह यहाँ लगे हुए थे, बच्चों के स्टिकर्स लगे हुए थे घर में लगाने वाले, फ्रिज पर लगाने वाले, और इसमें यहाँ पर बैग्स थे, और ये वॉल पे लगाने वाले लैंप वगैरह डेकोरेशन पीसेस थे इनके पास कुछ, और ये बैग्स थे गिफ्ट बैग्स जो होते हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों के पास आई हुई हैं, आप लोग प्लीज़ ज़रूर जाएं। और अभी तो सेल लगी हुई है, रमज़ान की रौनक ही अलग है, मज़ा ही अलग है, फिर उसके बाद तो फीका फीका हो जाता है सब। उसके बाद ये देखिए कितने सारे इनके पास स्टोरेज बॉक्सेस हैं, जस्ट 180 रुपीज़। चाहिए इनके पास परफ्यूम्स की वैराइटीज रखी हुई थी सारी, काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने ह्यूज वैरायटी कर ली है परफ्यूम्स की भी, तो जल्दी जल्दी जाएँ और ले लें यार। दिन जस्ट 180 रुपीज़ में बॉडी स्प्रेस भी थे इनके पास, और ये गिफ्ट देने के लिए भी थे इनके पास इन जस्ट 200 रुपीज़ और 180 रुपीज़। उसके बाद ये देखें ऑयल बॉक्स है, ये थे ऑयल जी जग्स वगैरह थे 200 रुपीज़ के अंदर, ये बॉटल्स यहाँ लगी हुई थी 180 की, 200 की एंड 230 की। देन ये नाइफ का होल्डर था रखने के लिए, दैन ये बच्चों के कप्स गिलास वगैरह थे, बच्चों को जूसेस दें कुछ भी दें, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी क्वालिटी थी इनकी। अगर आपके पैर में अगर चोट लगे तो डॉलर बाजार जाए, चोट पट्टी खरीदने नहीं जाए। तो बस ये बहुत अच्छी चीज़ थी। और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है किट यार, बहुत अच्छी थी। इसके बाद ये मामा लव डायरी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, जस्ट 180 रुपीज़। अगर आपको कोई भी ऐसी मेमोरी चीज रखनी है आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छी लग रही थी। इसके बाद ये देखिए वॉल क्लॉक, और ये वॉल क्लॉक जो थी कितनी खूबसूरत लग रही है, मैं कहती हूँ बहुत हसीन तरीन लग रही थी मुझे तो ये, इन जस्ट 200 रुपीज़। 200 रुपीज़ आजकल तो बच्चे नहीं लेते हैं 200 रुपीज़, और ये बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बाद ये लैम्प थे, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था, अल्लाह लिखा हुआ था, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। इन्होंने दिखाने के लिए डिस्प्ले भी लगाया हुआ है काउंटर पर, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद ये मग्स वगैरह थे, कप्स थे, डेकोरेटिंग पीसीस थे, फ्लावर्स थे, टेडी बियर्स थे, बास्केट्स थी, लिपस्टिक होल्डर्स थे, बहुत अच्छी खूबसूरत थी। ये देखिए प्लेटिन लोग के फ्लावर डिज़ाइंस की न्यू आई हैं लॉन्चिंग, और ये देखें इनके पास ट्रे कितनी ज़्यादा खूबसूरत ट्रे थी, इतनी ज़्यादा तीनों साइड से बहुत अच्छे लगे। उसके बाद ये सॉसेस वगैरह के लिए थे, डिप कुछ ही बना के रखने के बाउल्स थे इनके पास, इन जस्ट 180 रुपीज़। और ये कांच की चीज़ें थी, इन लोग के पास अच्छी हैं, काफ़ी क्वालिटी भी अच्छी है, और इंसान ले लें जस्ट 180। ऑयल बॉटल महंगी थी 400 की थी ये, उसके छोटे छोटी बाउल्स थी, प्यालियाँ थी, ये भी 180 रुपीज़ के सेट थे, 6 सेट मतलब 3 प्यालियाँ 600 रुपये की दे रहे थे ये, बाकी 3 तो ये 180 की दे रहे थे। उसके बाद आप लोग देखते हैं कप्स वगैरह भी हैं इनके पास, ग्लासेस वगैरह भी हैं 180 रुपीज़ में भी हैं, सिंगल्स भी हैं, डबल भी ले सकते हैं, आपको जो दिल करे आप लोग ले सकते हैं, 300 में भी हैं, 400 में भी हैं। इन लोगों ने काफ़ी अच्छी इन लोगों ने इस बार जो सेल लगा दी है, और बॉल्स भी इनके पास बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, नॉन आउट क्वालिटी वाइज ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कलर्स भी इनके पास अच्छे हैं। इन जस्ट 200 रुपीज़ के बाउल्स थे और बहुत अच्छे लगे मुझे। देन ये क्लचेस थे, और जिनको ईद के लिए चाहिए सामान, ज्वेलरी थी इनके पास, मेकअप्स था, किचन गैजेट्स थे इनके पास, स्टोरेज का सामान था, बहुत अच्छी चीज़ें थी। लैंप हैं, वॉल्स हैं, क्लॉक्स हैं, मैट्स हैं, पायदान हैं, वाइपर्स हैं, घर का हर चीज़ अवेलेबल है, तो प्लीज़ काइंडली जाएँ। और ईद की भी शॉपिंग आप लोग इजी कहा, इनके पास कपड़े नहीं है, सब कपड़े नहीं है, बेड शीट्स भी हैं, सब कुछ अवेलेबल है, तो प्लीज़ जाएं और विज़िट करें, और सस्ते में चीज़ लें, अच्छे में चीज़ लें, दो पैसे बचाएं भी, और ज़िंदगी सुकून से गुजारें। आप लोग देखें कितना रश है माशाल्लाह, ये रात के कम अज़ कम ही 2:15 बजे तक का टाइम है, और इतना रश था यहाँ पर, और सामने आप लोग बैंक देख रहे ना, बस 12 बजे सीधे आएंगे, बैंक आएगा, बैंक के सामने डॉलर बाजार। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।